हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे के अंदर का। जैसा कि फ्रेंड्स, इस योजना में आप अगर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो यहां ऊपर लिखा हुआ आता है कमिंग सन और नीचे लिखा आता है दिस इज पेज अंडर मेंटेनेंस, यानी यह साइड मेंटेनेंस के अंदर चल रही है, इसलिए थोड़े दिन से यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम सीधे होम के ऊपर चलते हैं और होम पर जाने के बाद में इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ वीएली क्लब पे आ जाना है। यहाँ पीएम किसान का स्टेटस के बारे के अंदर यहाँ कैसे किस चेक करनी है, यहाँ फुल आर्टिकल लिखा हुआ है, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हो कैसे आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद में न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ आपको आर्टिकल में समझा हुआ है पीएम किसान, इस प्रकार से आपको पीएम किसान वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है और इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दूसरा आपको समझाया गया है पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस पेमेंट, तो यहां आपको कैन नाउ बेनिफिशियरी पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, यहां आपको आईडी टाइप सेलेक्ट कराएगा, जैसे आप आधार कार्ड, बैंक डायरी, बैंक अकाउंट नंबर, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ आधार बेस पर कर लेता हूँ और यहाँ इंटर वैल्यू यानी यहाँ आधार कार्ड का नंबर आपको डालना होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ आधार कार्ड का नंबर डाल लेता हूँ और गेट एक्टिव इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में गाइस ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा और आपको कौन सी किस्त का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ मेरे को 11वीं किस्त नहीं मिली है तो मैं ये 11वीं किस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ और गेट डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, इस प्रकार से पूरा डाटा मेंशन हो जाता है। यहाँ पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ फार्मर का आपको ऊपर नाम दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ फार्मर का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ सारी चीज़ें मेंशन हो जाती है। और यहाँ योर अकाउंट डिटेल हैज़ बीन एक्सेप्ट बाय द बैंक, यहाँ पूरा इंस्टॉलमेंट यहाँ दिखाई देगा और यहाँ स्टेटस से कम्प्लीटली क्रेडिट हो चुका है हमारे अकाउंट के अंदर और यहाँ किस तारीख को हुआ है वो तारीख भी यहाँ मेंशन हो रही है। तो गाइज, इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से हम संतुष्ट होंगे। अगर गाइज आप संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।